दोस्तों, जब भी आप किसी चीज़ को दिन में देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देती होगी, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप रात में देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। किसी चीज़ को रात में देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? गाइस, आप तो समझ ही गए होंगे, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं लाइट क्या है। इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफिकल फैक्ट। दोस्तों, पहले समझते हैं प्रकाश होता क्या है। प्राकृतिक में जितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पाए जाते हैं उन्हें हम लाइट कहते हैं। हालांकि लाइट शब्द का यूज ज़्यादातर विजिबल लाइट को दिखाने के लिए किया जाता है। इसे आसान भाषा में कहें तो जो प्रकाश हम देखते हैं वह एक विजिबल लाइट है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में मौजूद सातों प्रकार के रेडिएशन को लाइट कह सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने यही सुना होगा कि लाइट वो होता है जिसके माध्यम से चीज़ों को हम देख सकते हैं। गाइस, ऐसा नहीं है। आप विजिबल रेंज तक लाइट को देख सकते हैं, तो आपके लिए यह लाइट हुआ। अगर कोई चीज़ या कोई जीव अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड में किसी चीज़ को देखने में सक्षम है तब तो लाइट का डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लाइट कह सकते हैं। दोस्तों, आपने तो जान लिया लाइट किसे कहा जाता है। अब ये जानते हैं कि लाइट वेव है या पार्टिकल। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं वेव है या पार्टिकल होते क्या हैं, इनमें क्या अंतर होता है। तो पहले वेव को समझते हैं। जब किसी ऊर्जा का संचरण दोलन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ये ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, इसे ही वेव कहा जाता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जब किसी शांत मीडियम में डिस्टर्बेंस होता है और ये डिस्टर्बेंस चारों तरफ फैलता है, इसे ही वेव कहा जाता है। जैसे कि पानी को हम मीडियम मान लेते हैं और पानी में हम पत्थर फेंके तो पानी को डिस्टर्ब कर देगा और ये डिस्टर्बेंस सोर्स से बाहर की ओर फैलता जाता है, इसी को वेव कहा जाता है। गाइस, आप तो वेव को समझ ही गए होंगे। वेव का कोई मास नहीं होता, लेकिन पार्टिकल का खुद का मास होता है। पार्टिकल किसी पदार्थ के एकदम छोटे टुकड़े को कहा जाता है। गाइस, वेव और पार्टिकल को आप समझ ही गए होंगे। अब हम लाइट की बात करते हैं। प्रकाश एक वेव है या पार्टिकल? लाइट अगर वेव है तो उसे ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होगा, क्योंकि वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लाइट तो स्पेस में भी ट्रेवल कर लेता है, जबकि आपको पता ही है कि स्पेस एकदम खाली होता है, वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। फिर लाइट तो वेव है तो स्पेस में कैसे ट्रेवल कर लेता है? चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पाया जाता है और ये लाइट इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है। पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंस से लाइट यूनिवर्स में किसी भी जगह ट्रेवल कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो इस तरह से पता चला कि लाइट वेव भी है। गाइस, समझते हैं लाइट पार्टिकल कैसे है। गाइस, आइंस्टीन द्वारा दी गई प्रकाश के फोटॉन थ्योरी इस सिद्धांत के अनुसार लाइट एक ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन कहा जाता है, और ये लाइट के पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। दोस्तों, आप तो समझ गए कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है।